Hey guys, what's up? This is Mayank and you are watching Blitfit. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइट के बारे में. क्या जिम जॉइन करने से हाइट की ग्रोथ रुक जाती है या हैवी वेट लिफ्ट करने से हाइट की ग्रोथ कम होती है एंड ऑल. ये सब मैंने क्वेश्चंस काफ़ी बार सुने हैं एंड आज मैं क्लियर आउट करूँगा कि ये मिथ है या सच में ऐसा कुछ होता है. कीप वॉचिंग. सीधे टॉपिक पर आते हैं. क्या सच में जिम ज्वाइन करने से हाइट की ग्रोथ रुकती है? सो इट्स अ स्ट्रेट नो. ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस. ये बिल्कुल प्योर मिथ है कि जिम ज्वाइन करने से या हैवी वेट लिफ्ट करने से हाइट की ग्रोथ कम होती है या हाइट की ग्रोथ स्लो हो जाती है. ये बिल्कुल प्योर मिथ है. अब ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारी जिम ज्वाइन करने से हमारी हाइट की ग्रोथ क्यों नहीं रुकती है? ये डिस्कस करने के पहले उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी हाइट की ग्रोथ होती कैसे है, कब तक होती है एंड इसे कंट्रोल कौन करता है. सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारी हाइट की ग्रोथ होती कैसे है. जेनेटिक्स. हमारी हाइट की ग्रोथ हमारे जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, यानी कि हमारे पेरेंट्स की जो जेनेटिक्स होती है. इफ़ योर पेरेंट्स आर शॉर्ट और टॉल इन हाइट, इट विल कॉज दैट जेनेटिक्स इन योर हाइट. अगर आपके पेरेंट्स शॉर्ट हैं देन योर हाइट विल बी शॉर्ट एन अप एंड आपके अगर पेरेंट्स टॉल है देन योर हाइट विल बी टॉल एन अप. समटाइम इन सम केसेस इन वेरी रेयर केसेस जिनकी पेरेंट्स की हाइट बहुत शॉर्ट होती है उनके बच्चे लंबे हो जाते हैं एंड वाइस वर्सा. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर जेनेटिक्स गाइस कि आपकी हाइट कितनी ग्रोथ होगी, आप कितने लंबे होंगे. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर जेनेटिक्स. अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारी हाइट की ग्रोथ होती कब तक है. हमारी हाइट की ग्रोथ तब तक होती है जब तक हम अडल्टहुड अटेन करते हैं. इस अडल्टहुड के दौरान वी गो थ्रू अ साइकिल नोन एज प्यूबर्टी साइकिल विच इज अबाउट फ्रॉम एज ऑफ 8 टिल यू अटेंड द अडल्टहुड. तो इस प्रोसेस के दौरान हमारे बोन में कुछ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और यू कैन से ग्रोथ प्लेट्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें एपिहाइसिस कहा जाता है. तो जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं, मीन्स जो एपिहाइसिस जैसे जैसे मैच्योर होते हैं वैसे वैसे हमारी हाइट की ग्रोथ स्लो होती जाती है. सो ये जब एपिहाइसिस जब एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाता है, व्हेन दे गेट फ्यूज, हमारी हाइट की ग्रोथ रुक जाती है एंड दैट यूजली हैपेंस व्हेन वी अटेन द एज ऑफ अडल्टहुड. सो इट डजंट मीन दैट अगर आप अडल्टहुड अटेन कर चुके हैं कि आपकी हाइट की ग्रोथ रुक ही जाएगी. जी नहीं, आपकी हाइट तब भी बढ़ सकती है अंटिल एंड अनलेस योर एपिहाइसिस और ग्रोथ प्लेट्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर. यस, जब तक आपके ग्रोथ प्लेट्स और एपिहाइसिस एक साथ फ्यूज नहीं हो जाते तब तक आपकी हाइट बढ़ती रहेगी एंड वंस दे फ्यूज्ड योर हाइट ग्रोथ स्टॉप्स. अब हम बात करेंगे हमारी हाइट की ग्रोथ कंट्रोल कौन करता है. हमारी हाइट की ग्रोथ हमारे बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स है वो कंट्रोल करते हैं. दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ग्रोथ हॉर्मोन, थायराइड हॉर्मोन एंड सेक्स हॉर्मोन. सो अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी बच्चे कुछ ज़्यादा ही लंबे होते हैं एंड काफ़ी बच्चे कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट होते हैं. तो जो बच्चे कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट होते हैं दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दिस हॉर्मोन्स, मेनली द थायराइड हॉर्मोन एंड द ग्रोथ हॉर्मोन. सो इसकी डेफिशिएंसी आपको बहुत कुछ में लीड कर सकती है. दैट वाई विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. अगर मैं इसमें डिस्कस करने जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. तो अगर आपकी हाइट कम है एंड आप हाइट की ग्रोथ करवाना चाहते हैं एंड यू वॉन्ट टू अटेन द ग्रोथ ऑफ द हाइट अगेन, यू कैन गो थ्रू द हार्मोनल डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट टू अ डॉक्टर. आप डॉक्टर के पास जाके अपनी हार्मोनल डेफिशिएंसी की ट्रीटमेंट करवा सकते हैं एंड मेक श्योर यू टेक अ प्रॉपर डाइट विद इट. गाइस, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ स्टाइल. इफ़ यू हैव अ गुड डाइट यू वोंट कॉज एनी डिजीज. आपके साथ कोई डिजीज आपको नहीं होगी, आपकी कोई बीमारी आपको नहीं छू सकती. सो मेक श्योर यू हैव अ गुड डाइट. सो ओवरऑल वी कैन से दैट कि हमारी हाइट की ग्रोथ हमारे हार्मोनल चेंजेस एंड जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है. स्पेशली अपॉन स्पेशली डिपेंड्स अपॉन ऑल अपॉन जेनेटिक्स. आपकी जेनेटिक्स जैसी होगी आपकी हाइट ग्रोथ उतनी होगी. आप जिम जाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप वेट लिफ्ट कीजिए, इट नेवर डिपेंड्स अपॉन दैट. इट विल नेवर कॉज एनी चेंज इन योर ग्रोथ ऑफ द हाइट. सो गाइज, डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स अ फकिंग मिथ एंड यू कैन रिलैक्स, गो टू द जिम, लिफ्ट एज हेवी एज यू कैन. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू.